Mysterious number 69. What is the meaning of this number? Actually, you are so lucky कि आपको ये number दिख रहा है. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ वाइब्रेशन के स्नैपशॉट में. मैं हूँ दिस शो. कल की वीडियो के बाद आपके जो सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं, जानना चाहते हैं आप लोग, वो है 69 के विषय में. 69 आपने पूछा है कि 96, 69 ये इसके साथ दूसरे नंबर्स दिख रहे हैं. यूनिवर्स आपको क्या संकेत दे रहा है? एंजल जो हमें गाइड करते हैं, स्पिरिट गाइड जो हमें गाइड करते हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, इसी पे हम डिटेल से जानने वाले हैं. ये नंबर कुछ खास है, ये मिस्टीरियस नंबर, ये एंजेलिक नंबर निश्चित रूप से आपके लाइफ में कुछ नए मिरेकल लेके आ रहा है. 69 ये खूबसूरत नंबर है. 6 जो फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, वीनस, शुक्र, जितनी भी फेमिनिन एनर्जी, शुक्र को बेसिकली देखिए लक्ष्मी जी से कनेक्ट किया गया है. लेविश लाइफ, धन दौलत, इंट्रोवर्ट होना, आप अंदर देख पाते हैं, खूबसूरती देख पाते हैं, किसी चीज़ की ब्यूटी देख पाते हैं, बैलेंस, सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है, हीलिंग एबिलिटी जो होती है, वो सब नंबर 6 है. 6 नंबर शुक्र को दिखाते हैं, वीनस को दिखाते हैं. दूसरा एक नंबर है 9. ये 9 नंबर मस्कुलिन एनर्जी है, जैसे शिव के जैसे. 9 नंबर मार्स की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है. मार्स बेसिकली किसी तरह के एक्स्ट्रोवर्ट क्वालिटी को दिखाते हैं, एक्टिव क्वालिटी को दिखाते हैं, किसी काम को डायनेमिक्स को दिखाते हैं. आपकी लाइफ में कुछ नया मिरेकल जब होता है, जब आप एफर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तब 9 नंबर का रोल आपकी लाइफ में, इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बढ़ जाती है. जब ये 2 नंबर एक साथ आते हैं तो बहुत बड़ा चेंज होता है. बहुत ज़्यादा आपको इस नंबर पर ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि ये नंबर ही हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि आपकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस होंगी, वही यूनिवर्स से आप रिसीव कर पाएंगे. उसी तरह की नंबर्स, उसी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होते हैं. देखिए, जो लोग लोअर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, उनकी लाइफ में लोअर या कार्मिक लोग आते हैं, उनकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, करियर में, रिलेशनशिप में. लेकिन आपकी अगर वाइब्रेशंस हाई हैं, तो आपकी लाइफ में बेहतर लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, आपकी जो हेल्प करने लगते हैं. उसी तरह से हमको अगर कोई नंबर दिख रहा है, तो हमारी वही फ्रीक्वेंसी है, उस पर ध्यान दें. 1 के साथ अगर ये 69 भी दिख रहा है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दें. और सबसे ज़्यादा लोगों को दिखता भी यही है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, उसकी मीनिंग क्या क्या है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं. देखिए, 69 निश्चित रूप से मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी से मैंने बताया होती हैं. जब साथ में मिलता है 96 दिखे या 69 दिखे, इसके साथ 169 दिखे, एनीथिंग, आपने घड़ी देखी या कुछ कहीं जाएं देखा, नंबर में दिख रहा है, रिपीटेड दिख रहा है. एक बार हो सकता है इत्तेफाक हो गया, दो बार इत्तेफाक हो गया, लेकिन रिपीटेड आपको ओवरऑल लाइफ 6-6, 8-8 महीने तक लोगों को दिखता रहता है. और लोग मेडिटेशन करते, उसके बाद महसूस करते हैं आप दिखना कम हो रहा है, क्योंकि मेडिटेशन और ट्विन फ्लेम जर्नी और आपकी अवेकनिंग से इसका बहुत गहरा कनेक्शन है. जब भी पहला मीनिंग इसका यह है कि आप जब भी डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे स्पिरिचुअलिटी की, तब आपको ये नंबर दिखने लगता है, या आपको जाने की ज़रूरत होगी गहराई में, तब आपको दिखने लगता है. देखिए, आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, मतलब प्रकृति और पुरुष, इसी से तो जीवन की रचना हुई है. हम सब लिविंग हैं, हम सब जीवित हैं. क्यों? क्योंकि ये प्रकृति और पुरुष शिव शक्ति है. इस शिव शक्ति से जीवन, लाइफ की क्रिएशन होता है. और जब तक बैलेंस नहीं होगी, तब तक लाइफ नहीं बन सकती. आपके लाइफ में भी कोई क्रिएशन नहीं हो सकती है. इस केस में आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, वो है बैलेंस पे. अगर आपको लाइफ में आपको बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी भी ये नंबर दिखेगा. अगर आपकी लाइफ में बैलेंस आप हो रहे होंगे, तभी भी ये नंबर दिखेगा. अगर आपकी मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होगी, तभी भी ये दिखेगा. मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध इम्बैलेंस से होता है. क्योंकि इन माई केस जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो बहुत सारे पर्सनल हॉरोस्कोप जो मैंने रीड किए, जो लोगों को इस तरह के नंबर्स दिखते हैं, तब जब वो कहीं ना कहीं अतिवाद में होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं किसी एक चीज़ को. पता, एक फीमेल थी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मस्कुलिन ट्रेड थे, मतलब जैसे कि स्पोर्टी नेचर होता है, जो स्पोर्ट्स में जाते हैं, जो स्पोर्ट वाले काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जिम वगैरह करते हैं, वो मस्कुलिन एनर्जी है. और वो फेमिनिन क्वालिटी, उनके रिलेशनशिप बहुत
अच्छे नहीं चल रहे थे। अब मान लीजिए कोई फीमेल, उसमें मस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है, कोई मेल आता है तो मस्कुलिन मस्कुलिन की तो टकराहट होगी ना, क्लैश होगा, तो आप कैसे रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं? ये नंबर दिखाता है कि क्लैश हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में, उसकी भी मीनिंग यही है, अगर आप डेप्थ जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में और बैलेंस होने की ज़रूरत है, उसकी भी मीनिंग यही है। अगर हम सिर्फ ट्विन फ्लेम के कनेक्शन को लेकर चलें तो यहाँ पर आपके अंदर जब क्लैश होती है, जैसे कि हम नाड़ी मैच करते, कुंडली मैच करते समय, नाड़ी क्या सिमिलर नाड़ी पे हेल्थ पे इशूज पड़ता है, हेल्थ पर प्रॉब्लम होती है। जैसे आपकी अंत नाड़ी है, मध्य नाड़ी है, जो एक ही नाड़ी नहीं होनी चाहिए, सिमिलर अगर नाड़ी है तो मतलब टकराहट होगी, आप एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, ईगो क्लैश होगा। जैसे सोल यिंग यांग ऊर्जा है, सोल ईगो है, ईगो ईगो हो जाएगा तो ईगो ईगो टकराएंगे, ठीक है, सोल ईगो होगा तो आपस में मिलेंगे। उसी तरह यिंग यांग ऊर्जा, अब यिंग आपके पार्टनर में भी, आप में भी यिंग एलिमेंट ज़्यादा है तो मतलब टकरा रहे हैं, उसी तरीके से आप में भी मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, आपके पार्टनर में मस्कुलिन एनर्जी टकरा रहे हैं। अगर आपके में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, आपके पार्टनर भी फेमिनिन एनर्जी, कुछ देखिए मेल फीमेल की जैसे केयरिंग करते हैं, बार बार हर चीज़ पूछ रहे हैं, केयर कर रहे हैं, उन फीमेल्स मेल्स को भी फीमेल जो DF हैं वो पसंद नहीं करती, क्योंकि वो मस्कुलिन एनर्जी चाहती हैं, वो बैलेंस चाहती हैं। अब यहाँ पे ये नंबर अगर आपको बार बार हर कहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपने दो चक्रों को ज़रूर बैलेंस करिए। सबसे पहला नंबर 9 जो मस्कुलिन एनर्जी को दिखाते हैं, एकदम साइंटिफिक है, एकदम लॉजिकल है जो मैं बता रहा हूँ, वो है रूट चक्र, जो मार्स की एनर्जी है, जो रूट की एनर्जी है, मतलब मस्कुलिन एनर्जी सर्वाइवल को दिखाती है। मार्स फाइट करते हैं, वॉरियर होते हैं मार्स, और जब मार्स बैलेंस होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी ना हो। एक दूसरा एनर्जी है वीनस की एनर्जी, यह सैक्रल चक्र की एनर्जी। इन तीन चक्रों को, दो चक्रों को अगर कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो 69 ज़रूर दिखेंगे आपको, कहीं ना कहीं आपको हो सकता थोड़े टाइम के लिए दिखें लेकिन ज़रूर दिखेंगे। और आप जब डेप्थ में जा रहे होते हैं या आप कोई नई चीज़ लगातार लर्न कर रहे होते हैं, इसका मतलब तेज़ी से भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है कि आप एक दो दिन में पूरी स्पिरिचुअलिटी पढ़ डालें, ये कोई बुक नहीं है, आपको पेशेंसफुली धीरे धीरे बैलेंस करते हुए आगे जाना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सम्यक्ता, संतुलन ज़रूरी है। इसी संतुलन में जब आप आते हैं तो आपको 69 आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है, उसके बाद एक दो बार दिखेगा, डैट मीन्स कि आप बैलेंस हो चुके हैं, और जब आप बैलेंस हो जाते हैं तब आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है। तो जब ये नंबर दिखे तो हमको क्या क्या करना चाहिए, इस पर चलिए बात कर लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रूट चक्र पे और हार्ट चक्र पे, इन दो चक्रों को ज़रूर ध्यान दें। अपनी फीलिंग्स को, अपनी फेमिनिन पार्ट को, कहीं आप में मस्कुलिन क्वालिटी तो नहीं बढ़ रही है, अगर आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, अगर आप फीमेल होंगे तो मस्कुलिन क्वालिटी आपके तो नहीं बढ़ रही है, आप चीज़ों को दबा तो नहीं रही, अपनी फीलिंग्स को दबा तो नहीं रही हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फेमिनिन क्वालिटी बढ़ जाना, जैसे कि रोने लगना बहुत ज़्यादा, ये अच्छा है। जो सोल पर्जिंग होती है वो बैलेंस की निशानी होती है, कि मतलब आप बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन ओवर में नहीं जाना चाहिए, कोई भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में नहीं जानी चाहिए। अगर ये हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा मस्कुलिन क्वालिटी भी बढ़ाएं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मस्कुलिन क्वालिटी क्या लॉजिक्स को दिखाती है और हीलिंग को दिखाती है, कौन फेमिनिन क्वालिटी, इन दोनों में संतुलन, थोड़ी लॉजिक भी देखिए, थोड़ा हीलिंग भी करिए, दोनों को साथ लेके चलेंगे तो आपकी लाइफ में जल्दी ही मिरेकल होगा। और ये 69 दिखने का जो पर्पस था, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता था, वो तो मेरे माध्यम से आपको बता ही दिया। इस तरह की वीडियो आपके सामने आपने देखा, आपको पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से, अगर आपके अंदर कोई डिज़ायर होगी, आपको सोल को कोई ज़रूरत होगी, यूनिवर्स आप तक ज़रूर पहुंचा देगा। इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए। अगर इस चीज़ का मीनिंग आपको पता चला है तो नेक्स्ट डे से इस पे बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, जिसमें हमें रेगुलर वीडियोस अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।